भैया ने भाई मेरी राम राम भाई, मैं इस टाइम बदली हल्का, बदली हो रहे हो? हाँ, बदली हल्का का सिलानी गांव का जो खेल स्टेडियम या खेल मैदान के कुछ कह करें वहाँ पे हूँ। और यहाँ पे अभी खट्टर साहब आने में आधा पौना घंटा बाकी है, अभी टाइम लगेगा आने में। और धनखड़ साहब भी आऊँगे और बहुत सारे भाई यहाँ पर खड़े हैं, तो बतलावांगे उनते के कुछ सीन चल रहा है फिलहाल। भाई जी राम राम। भाई जी कैसे हो? बढ़िया। भाई जी कैसे हो? दर्शन कैसे हो? बहुत अच्छे, आप कितने? अच्छा सर, क्या कुछ स्थिति चल रही है बादली भाई? भाइयों पर धनखड़ की जय। भाइयों पर धनखड़ की जय। मंत्री जी के प्रति लोगों का रुझान बहुत अच्छा है। मंत्री जी ने यहाँ काम भी करवा रखे हैं और लोग कह रहे हैं कि भी मंत्री जी ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं। और आपने रैली में देख लिया, लोग बड़े बाजे गाजे के साथ, डीजे के साथ लोग रैली में लगातार आ रहे। मनोहर लाल खट्टर की जय। भाई साहब। हाँ जी। क्या कुछ कहना है आपको यहाँ की? एक तरफा है जी, हरियाणा में पूरे में एक तरफा है, एक तरफा माहौल है। 75 पार है सीटें, हम तो पूरे कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं 75 पार से है बिल्कुल। मंत्री जी की रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, आप देख लेना भाई साहब। 24 तारीख रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, इतिहास में दर्ज होगी जीत मंत्री जी की। धनखड़ जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। और ये जो समीकरण बना रहे हैं, बाहर की पार्टियां समीकरण बना रही है ना, तो ईवीएम मशीन के पास एक चुंबकीय क्षेत्र है। जब वो चुंबकीय क्षेत्र जाते हैं ना, तो हम अपने दिल पे हाथ रख के वोट करते हैं, तो हमारी वोट जाती है बीजेपी को। भाई ओम प्रकाश धनखड़ की जय। मतलब किसे वोट दे दो, बीजेपी में जाओगी? नहीं नहीं नहीं, हम दिल पे, दिल से जाएगी भाई, दिल से। ऐसा है भाई, ऐसा है। हम जहाँ भी मिल रहे हैं ना, लोग ये कह रहे हैं कि बादली के इतिहास में अब तक इतना विकास किसी ने नहीं करवाया जितना विकास मंत्री जी ने करवाया। बादली के इतिहास में रिकॉर्ड विकास करवाया है, हजारों करोड़ रुपए यहाँ पे विकास में लगे हैं, और ये सब मंत्री जी की वजह से संभव हो पाया। बादली में तहसील ले दी, के एम पी चालू कर दिया, आज तक कोई चालू नहीं कर रहा था। कितने साल तक 6 किलोमीटर की दूरी पे कॉलेज बनवाना, लोग मंत्री जी ने सीएम साहब के साथ लड़के कॉलेज ले आए यहाँ हर। अच्छा, भाई साहब बादली में जो अपने धनखड़ साहब, हाँ जी हाँ जी, वे लोग मिले जुले हैं कि नहीं? भाई साहब पूरा परिवार मिलता है, आदित्य भाई मिलते हैं, मैडम ही मिलती है, सबसे बहुत अच्छे मिलते हैं। मैडम अलग से मिलती है, भाई आदित्य भाई अलग से मिलते हैं, मंत्री अलग से। इतनी हजरी किसी भी विधायक की, किसी भी मंत्री की, किसी भी हलके में नहीं है, मंत्री जी की इस हलके में। वो जितनी बार के बीच रहते हैं भाई मंत्री जी, और सब मंत्री जी से खुश हैं, और रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी बादली के। क्या कहना आपका? भाई साहब मंत्री जी बहुत भारी वोट जीतेंगे। अच्छा, 75 सीट तो बीजेपी की और 75,000 पार भाजपा अड़े थे, मंत्री जी जीतेंगे 75,000। और धनखड़ साहब जितने बार बादली हल्के में आते, हर गांव में जाते हैं, इतनी बार ना आज तक कोई आया नहीं आता। एक बात मैं बता दूं भाई, मंत्री जी ने कभी नेता बन के काम नहीं किया, सेवक बन के लोगों के भाईचारे में सामाजिक तौर पे काम किया है। मंत्री जी ने कभी अपने आप को नेता नहीं माना, आपका भाई मान के, बेटा मान के इस बादली का विकास करवाया है। विधायक तो यहाँ पे पहले बहुत रहे हैं। अच्छा, 5 बार बादली से धीरपाल जी भी रहे हैं, 10 साल नरेश प्रधान रहे हैं, लेकिन हर एक को कहीं ना कहीं टक्कर मिली है। ओम प्रकाश धनखड़ के किए द्वारा, उनके द्वारा किए गए कामों के कारण उनके खिलाफ कोई टक्कर में ही नहीं है। दुनिया अगर कुछ भी कहती रहे, ओम प्रकाश धनखड़ जी 75,000 नहीं, क्या पता कितने पार चले जाएंगे। सीधी सी बात ये है। और हल्के लोगों ने अब की बार विकास के नाम पे वोट देने पूरा मन बना रखा है, और धनखड़ साहब के टक्कर में कोई नहीं। बादली में विकास का नाम धनखड़ है, श्री ओम प्रकाश धनखड़ बादली में विकास का नाम है। हाँ जी, क्या कुछ कहना आपका? भाई साहब हम तो ये कह रहे हैं कि बादली हल्के में सबसे ज्यादा युवा जो सर मंत्री जी ने जो निष्पक्ष कार्य किए हैं उनसे इतने प्रभावित हैं कि हद से ज्यादा उन्होंने विकास किया और निष्पक्ष कार्य किए हैं। और बादली हल्का उनके साथ तनबंधन से है, तगड़ा से तगड़ा जोटा मारेंगे। बहुत बार एक एक आदमी 10-10 बार नहीं भाई साहब, हर वर्ग का सम्मान किया है भाई साहब, उन्होंने जन जन का सम्मान किया है और निष्पक्ष कार्य किए हैं। उन जैसा साफ और ईमानदार नेता इस बादली हल्के को पहले कभी मिला ही नहीं। इनका कहना है घर से 10-10 जनों को बोल के ले आएंगे, बूढ़े जवान सब को, और वोट गिरवाएंगे मंत्री जी की ज्यादा से ज्यादा।
और रिकॉर्ड तो जीतो है इनको जिताएंगे। बहुत ज्यादा काम किया बादली हल्के में, इतना काम किया है कि पूरे लोग प्रभावित हो गए धनखड़ साहब से। और लेडीजों की सिलाई मशीन दी है वो लेडीज कहाँ वोट देंगी, वो बीजेपी को वोट देंगी, धनखड़ साहब को वोट देंगी और पूरे तय दिल सपोर्ट दे रही है इनको। हर वर्ग का सम्मान किया है, चाहे वो खिलाड़ी हो, खिलाड़ियों को ट्रैक सूट दिया, जो भी उन्होंने डिमांड रखी है मंत्री जी ने हर चीज पूरी की है। ऐसा कोई काम नहीं बचा जो मंत्री जी ने नहीं किया। धन्यवाद धन्यवाद। काम कर रही है, करने लग रही है और करेंगे भी आगे। ठीक है राम राम जी। कुछ ना भाई बीजेपी भाई का सुत्या दे भाई बोला बीजेपी हेट। चलो जी तो भाई और लोग आते मिलेंगे बाद में, तब तक यह वीडियो इतनी बतेरी कलाकार आदमी था भाई। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।